हाय फ्रेंड नमस्ते। ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं और इन टीलों के बीच में से हम खूबसूरत भारतीय रेल को हम कैप्चर करते हैं और ये सारी टीले थार डिजर्ट की बेहतरीन निशानी है। इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ द नेचर, भगवान जी की ये हस्ताक्षर की हुई ये रिपल्स जो आप देख रहे हैं सब ये वही है। और यहाँ से हम निकलते हुए भारत की शानदार जो गाड़ियाँ हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत खूबसूरत डेजर्ट है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और पानी का कोई भी कहीं नहीं दिख रहा, ना ही कोई असिस्टेंस है। और ये डेडली लीथल डेजर्ट भी है क्योंकि यहाँ मोस्ट विनमस एंड पॉइजनस स्नैक्स रेप्टिलियंस सारी प्राणी प्रजातियाँ यहाँ रहती हैं जो छाया में दिन में इन्हीं झाड़ियों में छिपके बैठी रहती है। ये वो जगह है जहाँ पर 18 मई 1952 को बहुत बड़ी भीषण त्रासदी हुई थी, हादसा हुआ था जो कि पलाना हादसा के नाम से विख्यात है। नेट पे बहुत कम अवेलेबल है। यहाँ पर दो ट्रेनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ था। रात का टाइम था 1 बजे के करीब, एक बीकानेर से पलाना की ओर चल रही थी, वो पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें खूब सारे यात्री थे, और एक पलाना से बीकानेर की ओर आ रही थी जिसमें शादी की बरातें थीं और मई का दिन था, अक्षय तृतीया का दिन था, तो दोनों का बहुत भीषण हादसा हुआ था। और यहीं पर इसी इलाके में सारी जो डेड बॉडीज थी जो दफना दिया गया था, तो ये बहुत बहुत भीषण घटना थी जो अखबारों की सुर्खियाँ थी उस समय की, आजकल ये दिखता नहीं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है तो आप ज़रूर देखना वीडियो, जो उस कालीन तथा कालीन कालातीत ये सारी चीज़ें कालातीत हो गई है, मगर उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी थे राजू शर्मा जो कि रेल में कार्ड थे उनके साथ हमने बनाया है, तो आप उसको भी देखने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत तेज़ है, फिर मिलने के बाद एक साथ, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।
इस अदम्य रेगिस्तान को टक्कर देती हुई भारतीय रेल और इस डेजर्ट को जो बहुत ही दुरूह अवस्था में है उसको पार करती हुई भारतीय रेलवे बड़ी शालीनता से चल रही है। और इस डेजर्ट फ्लोरा फोना के अंदर बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है रोजी स्टर्लिंग पक्षी है जो कि बेर खा के, अब देखो काफ़ी सारे इस पे पक्षी बैठे हैं जो चहचहाट करें और बेर खाकर गुठलियाँ निकाल रहे हैं। और ये भी रेगिस्तान का बहुत शानदार शिकारी है, ब्लैक हेड ब्लैक शोल्डर काइट, और अपनी दूरदृष्टि से ऊपर एक ऊंची डाली पर बैठ के नज़ारा देखता रहता है और कोशिश करता है एकदम सटीक सदा निशाना बनाकर पक्षियों का शिकार करता है। ये ऊपर बैठा है, नीचे जितने भी सरीसृप हैं, गिलहरियाँ हैं, स्क्वेरल्स हैं, रोडेंट्स हैं, उन सभी का शिकार बहुत कामयाबी के साथ करता है। आकाश में एक ऊंची जगह उड़ के होवरिंग करके बैठ ये अपना निशाना साधता है। इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं और ये ब्लैक शोल्डर काइट कहलाता है जो राजस्थान की बहुत खूबसूरत पक्षी है, बड़ा ही प्यारी चील है, सफ़ेद रंग की और आगे इसके कंधे इसके काले होते हैं। और ये एकदम डेजर्ट के अंदर बिना पानी के भी रहने में काफ़ी बड़ा सक्षम और प्रभावशाली एक बहुत शानदार प्रीडेटर है, बर्ड ऑफ प्रे पक्षी का मारने वाला ऐसा जीव जो पक्षी रोडेंट इनका ये बैरी है। यहाँ जितने भी सरीसृप हैं, सांप हैं, चूहे हैं, रोडेंट है, जर्बिल है, उनको मारने में ये बहुत ही कामयाब है। और ये आपको अक्सर ऊंची डाली पे बैठा हुआ मिल जाएगा, इसको हमने चलते में शूट किया है। और ये राजस्थान के वह एक बहुत ग्रिफन वल्चर हैं, ये सारे ग्रिफन वल्चर के बीच में अपने हिमालय वल्चर भी बैठे हुए हैं। और ये केवल और केवल सारे संसार में से ये गायब हो चुके हैं और केवल बीकानेर और इस रेगिस्तान में ही आपको ये देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही खुशनुमा बात है क्योंकि ये राजस्थान में ही अभी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखने के लिए विदेशों से और बहुत दूर दूर से साइंटिस्ट आते हैं। ये जो पक्षी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ये पक्षी है सिनेरियस वल्चर जो जटायु प्रजाति का पक्षी है और बहुत ही खूबसूरत और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ये रेप्टर है, उड़ने वाला गिद्ध है, सबसे बड़ा और सबसे भारी। और ये आकाश में इसके डेने बहुत बड़े बड़े फैलते हैं और ये उड़ने में भी बहुत ऊंचाई पे 8000 से 10000 तक मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ता है और बर्फीली मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से उड़ के आता है। ये काला गिद्ध कहलाता है या मॉन्क वल्चर या सिनेरियस वल्चर या काला गिद्ध, ये भी बीकानेर के अंदर अपनी बैठा है। और ये जो सारे ग्रिफन वल्चर है जो अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखेगा क्योंकि जो भी पक्षी प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उन्हें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये सारी प्रजातियाँ पूरे संसार में विलुप्ति के कगार पे हैं और सब जगह से गायब हो गई, बहुत कम दिखती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पक्षी है, इसका नाम है ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल, ये रोमानिया से चल के आता है और बहुत ही खूबसूरत है। ये सबसे चालाक और सबसे ताकतवर पक्षी है, चीते की तरह, जैसे पक्षियों जैसे प्राणियों में चीता है फुर्तीला, वैसे ही है ये। लोग शिकार खोस के शिकार छीन कर खाने में माहिर है, आकाश के अंदर ही ये गर्दन तोड़ देता है दूसरे पक्षियों की या उसका शिकार खोस लेता है। पंजे इसके बहुत तीखे और बहुत ताकतवर है, चोंच भी इसकी बहुत ताकतवर है और इसके जो पाँव देखिए आप, बहुत बड़ी बड़ी इसकी जांघें हैं, बहुत शक्तिशाली ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल, जस्ट लाइक चीता टाइगर के रूप में ये दिखता है। आँखें बड़ी चौकन्ना है और चारों तरफ बैठ के देख रहा है, जहाँ भी इसको थोड़ी सी आहट दिखी, कहीं आपस में दो पक्षी लड़ रहे हैं या कोई रोडेंट लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों को मार के ले जाता है। ये बहुत ही शानदार पक्षी और ये राजस्थान का पूरा वातावरण परिवेश और यहाँ का प्रमुख डेजर्ट शिप ऊँटों की सवारी के साथ राजस्थान को पार करते हुए राजस्थानी दो वीर जो ऊँटों से ही पार हो रहे अपने अदम्य साहस के साथ फैलता जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट से मुझे अनुग्रहित करना। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड।